एवं कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे शॉपिंग करने के लिए, मगर उसके पहले मैं बॉम्बे जाने से पहले मैं एक जगह जाने वाली हूँ, जो आपका ये जो है ना ये अशरफ भाई आपका ये गोलू मोलू ये बकरों का जो डॉक्टर है, इसने इंस्टाग्राम पे कोई पेज देखा है कपड़ों का वहाँ पर मेरे पीछे पढ़ाएगा, मेरे को वहाँ पर ही लेकर चलो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते। तो कहाँ पे वो? बॉम्बे सेंटर में जाने का है। क्या नाम है उसका? डिवाइन कलेक्शन में बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, उधर कैप भी मिलती है, उधर जूता भी मिलता है, उधर परफ्यूम भी मिलता है, मेरे को सब चीज मिल जाएगी, मुझे वहाँ पे लेके चलो। हाँ। तो सबसे पहले मैं इसको वहाँ पर लेके जाऊंगी, वहाँ पर उसके पसंद के सब कपड़े उसको दिलाऊंगी, फिर उसके बाद में फिर आसिफ भी देख लेगा, अगर आसिफ को जमेगा तो। फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे निकलेंगे दाऊद टेलर के उधर इन लोग के कुर्ते पैजामे के कपड़े देखेंगे, देखते इन लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं आते। हाँ। फिर वहाँ से फिर मैं जाने वाली हूँ हमीम में जैसे कि मैं अपने लिए कुछ कपड़ा देखने के लिए नाकुदा मोहल्ले में हमीम। फिर उसके बाद में फिर हम लोग कुछ लुंगी के और ग्रेस के कपड़े लेंगे जो हम लोग देते हैं, वो कपड़े ले लेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम लोग रोजा भी खोलेंगे, लगता सहरी भी आज भारी होने वाली है, देखती हूँ आज मेरी कितनी शॉपिंग होती है, अगर पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो शायद मेरे को इंशाल्लाह कल या परसों भी जाना पड़ेगा। बराबर। तो चलते हैं आसिफ भाई, क्या बोलते भाई? और आसिफ को क्या, अशरफ भाई आजकल आसिफ को क्या हो गया, क्या हंसता है बहुत, बोलते कोई बात ना, हंसी आती है, बोलते क्यों हंसी आती है? बेटी नहीं धोखा है, प्यार एक धोखा है, बोल जरा, दिल लगा सही जगह और एक मौका है, ठीक है कंपनी, ठीक है सीके कंपनी में भर्ती हुआ, बोलते कौन तो सीके कंपनी है, सीके कंपनी में, ये कितना कौन सीके कंपनी हो, अंडरग्राउंड कंपनी, चलो। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इधर पे अशरफ को कपड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग किधर आए थे आसिफ? ये बॉम्बे सेंटर में आए थे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी कपड़े थे देखने के जैसे, और बच्चे लोगों को कैसा चाहिए, अशरफ को थोड़ा ना जैसा थोड़ा अलग कपड़े चाहिए, जैसे कि उड़ी चाहिए और किसी वो फटेली वाली जीन्स जैकेट चाहिए जैसे कि एकदम वो मैं ये कपड़े को क्या बोलती हूँ आसिफ? छपरी कपड़ा बोलती हूँ, मेरे को ऐसे सब कपड़े को मैं बोलती हूँ छपरी कपड़ा, मेरे को डिसेंट कपड़े में आपको बाद में बताऊंगी डिसेंट कपड़ा मैं कहाँ से लेती हूँ। तो यहाँ पे इनके पास भी अच्छे ही थे कपड़े, देखने जैसे थे अच्छे और वैरायटी भी अच्छी थी, मगर मस्त एकदम, और ऑफर बहुत अच्छे अच्छे थे इनके पास में, जैसे कि 1000 रुपये में 3 जीन्स थी, जैसे कि ये कैसा है जो एकदम दुबले पतले बच्चे लोग छोकरे लोग रहते उन लोगों के लिए ठीक है, अशरफ के साइज का नहीं मिल रहा था, क्योंकि अशरफ कैसा है हमारा थोड़ा गोलू मोलू टाइप का है ना आसिफ। हाँ। और फिर भी एक दो जीन्स अशरफ के लिए मैंने ले ली, जैसे कि मुझे देख के देखो अशरफ को देखो ऐसी वाली जीन्स पसंद है, देखो मैं दिखाती हूँ को उठाकर, ये देखो ऐसी ये जो फटेली आगे का दिखा दी थी, मैं पीछे का ही दिखाई ना, दिखा रहे ना एंटीक हाँ। और इनके पास में कपड़े भी अच्छे थे, एंटीक थे, जैसे कि आजकल के जमाने के बच्चे लोग पहनते हैं ना उस तरह के कपड़े इधर पे थे, और जैसे कि एकदम डिसेंट कपड़े अगर आप लोगों को चाहिए एकदम डिसेंट पहनते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं वो आपको मैं आगे एकदम लास्ट में बताऊंगी। और माशाल्लाह ये वाली जीन्स भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि सबका प्राइस अलग अलग था, जैसे आप क्वालिटी के कपड़े लोगे वैसे आपको यहाँ पर प्राइस, और इम्पोर्टेड थे सब कपड़े। हाँ, इम्पोर्टेड कपड़े थे और प्राइस भी मतलब अपने अपने बजट के हिसाब से था, जैसे कि आपको 1000 रुपये में 3 जीन्स चाहिए तो 3 जीन्स भी मिलेगी, या नहीं तो आपको फिर अलग कुछ चाहिए तो अलग भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी शॉपिंग होने के बाद में इन्होंने हमको कहे कि आप जाना मत, बैठना, रोज़ा खोल के ही जाना, क्योंकि माशाल्लाह इनके जो घर में है इनके घर वाले हमें देखते हैं, हमारे वीडियो देखते, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो उन लोग मुझे जाने नहीं दिए, बोले अभी इफ्तार का टाइम हो गया है तुम इधर पर इफ्तारी करके जाओ। तो माशाल्लाह इफ्तार का बंदोबस्त बहुत ही अच्छे से इन्होंने किए थे, और जितने उनके उधर काम करने वाले थे वो सब भी बेचारे रोज़दार थे, उन लोगों ने भी साथ में बैठ के सब लोगों के साथ हम लोग ने बैठ के रोज़ा खोले, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, है ना आसिफ? हाँ। और वहाँ पर आजू बाजू भी लगता सारे मुस्लिम ही है, मतलब वो साइड में कभी गई नहीं थी, ये जो ये साइड में जाना
फतेह और अनवार बरकात से माला माल फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें हर छोटी बड़ी बीमारी से कुल मोमिन मोमिनात को महफूज रख। आमीन। ए अल्लाह हमें अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा, रिज़्क हलाल अता फरमा। ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। ए अल्लाह हमें ललितुल कद्र नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें हज मुबरा और नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें झूठ गिबत बुज कीना झगड़े फसाद से दूर रख। ए अल्लाह हमें तंग दस्ती और खौफ घबराहट और कर्ज के बोझ से दूर फरमा। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। तो हमारी इफ्तारी हो चुकी। इफ्तारी के बाद में फिर मैंने उन लोगों को बहुत ही जज़ाकअल्लाह बोली, बहुत शुक्रिया बोली उनका कि इफ्तारी कराने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग निकले नाकुदा मोहल्ले के लिए। मैं जा रही थी नाकुदा मोहल्ला जा रही थी, जाते जाते मुझे रस्ते में कुछ चद्दर और तकिए के कवर दिखे तो वो मैंने वहाँ से ले ली। जैसे कि इतना बड़ा हमारा गदेला है तो डबल बेड की मुझे दो चद्दर लेनी पड़ती है ना, सेम टू सेम। फिर उसको ना तुम्हारे भाई सीते हैं, फिर सी के फिर उसको एक करते, फिर हम लोग उसको कवर गदेले के ऊपर चढ़ाते हैं ना, बराबर वैसा। फिर उसका मैचिंग का मुझे तकिए का कवर नहीं मिला था, मिल रहा नहीं था। फिर मुझे जो मिला वो मैंने वहाँ से ले ली। फिर उसके बाद में ना फिर मुझे ग्रेस भी लेना था, तो वहाँ से यहाँ पे देखो बेचारा तकिया वाला मेरा सेम टू सेम कवर ढूंढ रहा था। मैं बोल रही थी भाई मेरे को चारों ना मैचिंग ही चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ हमीम में। हमीम का नाम मैंने बहुत सुनी हूँ, उनकी इंस्टाग्राम पे आईडी भी है मगर मुझे कुछ पता नहीं उनकी आईडी, मैं सुनी हूँ। तो फिर मैं जैसे कि गई देखने के लिए हमीम में, तो हमीम में मुझे इतने ख़ास कपड़े नहीं लगे, मुझे इतना पसंद भी नहीं आए। और सही बात बोलूँ तो वो तो मुझे देख कर बोले थे आपकी साइज़ नहीं है, क्योंकि मैं क्या इतनी मोटी हूँ कि जो मेरी साइज़ नहीं मिलेगी, है ना आसिफ? हाँ। तो फिर और खाली बस जगह मगम अला बग एकदम। सो गाइस हम लोग गए, हम लोग अभी इधर खड़े हैं, मम्मी अंदर शॉपिंग कर रहे होते, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो इसके लिए हम लोग खड़े हैं बाहर में। और अशरफ अब्बा और मम्मी अंदर है ना आंटी, थक थक के अनाज बहुत तार। हम लोग सुबह से घूमे गए, पहले अशरफ का कपड़ा लिए, अशरफ का कपड़ा देखे, फिर मेरे को देखे तो मेरे को उधर पसंद नहीं आया, बोला मैं दूसरी जगह चलूँगा, है ना। फिर हम लोग उधर ही वो दुकान वाले ने बोला कि इफ्तारी करो, फिर इफ्तारी करके हम लोग इधर आ गए नाकुदा मोहल्ला। नाकुदा वाले में मम्मी अपना कपड़ा देख रहे, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है और इधर वीडियो निकालना भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी डैडी अंदर खड़े, तो मम्मी डैडी अंदर खड़े बिल ले रहे हैं, मम्मी ने कपड़ा ले लिया लगता, मम्मी को कपड़ा पसंद आ गया, है ना अशरफ? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दुकान में कितनी गर्दी है। तो यहाँ पे मम्मी बाहर आ चुके हैं कपड़ा लेके शॉपिंग करके अपनी। मम्मी ले लिए ईद के लिए? नहीं लिया अभी, ईद के लिए नहीं लिया, घर पे जाके दिखाना आराम से। जोर से बोला 11,000 में चार जोड़ी, सही है। दूध मलाई दही है, चलो। तो चलिए गाइस वहाँ से मेरी शॉपिंग हो गई, उसके बाद में मैं निकली यहाँ से जाने के लिए मैन ओ मैन। अब मैं आपको बताती हूँ क्या डिसेंट कपड़े और क्वालिटी वाले कपड़े, एकदम बेहतरीन कपड़े किसको बोलते हैं। गाइस अभी हम लोग आए थे इधर मैन ओ मैन में, है ना। और यहाँ पे आसिफ के लिए कपड़ा ले रहे थे और इनके भाई के लिए कपड़ा ले रहे थे, तुम्हारे भाई के लिए। और ये भाई जो है हमको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं, अच्छे अच्छे दिखाते हैं, ये हमारे पहचान में ही है। और माशाल्लाह आसिफ ने अच्छे पसंद के, आसिफ ने जितने भी कपड़े दिया सब मैंने चॉइस की आसिफ की कपड़ों की, तो मैं आपको ना आराम से बैठ के बताऊंगी। और अशरफ के कपड़े की भी जो पूरी चॉइस है मैंने की हूँ, वो भी मैं घर पे बैठ के आराम से आपको बताऊंगी, है
था ना कि हम लोगों ने क्या क्या लिए। तो चलिए यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग दाऊद टेलर के उधर, फिर वहाँ से देखते हैं क्या लेना है। भाई का बाकी है, ये ले लो। ना उसको साइज़ है जो पहला वही साइज़, एक ही फॉर्म है वो। जींस पहन सकता नहीं, व्हाइट नहीं ये चाहिए। नहीं ना, दो बस हो गई, दो बस ना। और कोई कलर कौन से? मैंने ब्लैक तो बहुत हो गया नहीं। अभी हम लोग क्या दे रहे हैं दाम के लिए? अभी कहाँ पे अपन? अभी इधर है, 11 बजे तुम्हारे रोड पे अभी जा रहे हैं। नाथू ना बोला अभी तो शनिवार हुई वहाँ से। फिर आसिफ की भी शॉपिंग हो गई और तुम्हारे भाई की भी शॉपिंग हो गई। फिर इन लोगों को देखना था दाऊद टेलर के उधर कपड़े, है ना। उनका भी रेडीमेड के भी कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि कुर्ते पैजामे रेडीमेड मिलते। तो वहाँ पे मैं अंदर गई देखने के लिए, तो इतने खास वहाँ पे नहीं थे और एकदम सिंपल थे, मगर रेंज बहुत हैवी था जो हमें हमारे बजट में नहीं बैठ रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि देखने में पोस्टर पे अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे कौन आया था? सिर्फ बिन शादा। अच्छा, बिन शादा बिन का प्रमोशन कर रहा है ऐसा कुछ लगा, मॉडलिंग मॉडलिंग का प्रमोशन कर रहा है बिन शादा। मेरे सामने से गया, मैं फोटो नहीं खींच पाई उनके साथ में। फिर वहाँ पे हमको पसंद नहीं आए, तो फिर हम लोग बोले चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, कच्चा कपड़ा ही ले लेंगे और अपने जो टेलर के पास में सिला लेंगे। तो यहाँ से फिर तुम्हारे भाई ने कपड़ा लिए, हम लोग यहाँ पे देखते देखते जा रहे थे और अच्छे अच्छे, अभी मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते पैजामे के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। तो अभी आप लोग जाकर ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक ली, आसिफ के लिए ली और अशरफ के लिए मैंने दो ली और बहुत पसंद आ रहे थे। हम अभी तुम्हारे भाई और मैं कैसा है ना, थोड़ा मैचिंग पहनते, क्या बोलते आसिफ उसको, कॉन्ट्रास्ट कौन ये सेम टू सेम पहनते हैं, जैसे कि तो हम लोगों को अच्छा लगता है, पहले से ही पहनते आए हम लोग, अभी भी पहनते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा और सबके कपड़े पसंद करने की जवाबदारी मेरी रहती है। आप लोग बताना गाइस कि मेरी चॉइस कैसी है, क्योंकि सब लोग मेरा आसिफ अशरफ और तुम्हारे भाई तीनों जन अपनी पसंद से कभी कपड़ा नहीं खरीदते, हमेशा मुझे ही बोलते कि मम्मी तुम पसंद करो, लाली तू पसंद कर, हम लोग को नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे किस किस का कपड़ा हो चुका है? यहाँ पे सिर्फ अशरफ का हो गया, मेरा और डैडी का, अशरफ का अशरफ गए कुछ खाने के लिए लेने के लिए, बैठो। यहाँ पे इतने सारे थैली हो चुकी है, गाड़ी नहीं है तो कपड़े ज्यादा हो गए गाड़ी। तो वो तो कौन सा लिया, वो वाला नहीं लिया, ब्लू वाला लिया, वो भी लिया। और कौन सा ले रहे? दिला रहे मम्मी का, ये सिला ना, ये अच्छा है ये, और इसके नीचे पैंट, पैंट सिला हुआ चलेगा। ये भाई की दस लोग खड़े रहते हैं, एक को लेना है 10 खड़े रहते हैं। यहां पे यहां पे भी तो मुझे जस्ट प्लेन में सिला के नीचे पूरी चप्पल, ये भी बिस्के को ले पहन सकता है ये वाइट। ये चला चला तो चलिए गाइस, अभी सारी शॉपिंग कर कर हमारा हो चुका है। अभी हम लोग आए हैं सारा होटल में कुछ खाने के लिए, ऐसे मतलब सहरी करने के हिसाब से आए हम लोग। हाँ, अभी सहरी करने के हिसाब से आई है बस, माशाल्लाह अभी सहरी करके फिर यहाँ से जाएंगे। अभी कितने बज रहे? अभी 2:10 बाकी, खाए खाए तक 3 बज जाता, 3:30 बज जाते, घर पे पहुँचना 4 बज जाते, सो जाएंगे फिर। हाँ, फिर कल आप लोगों को मिलूंगी अच्छे से, के इफ्तारी आज इफ्तारी नहीं बनना है, आज हम लोग को बाहर शॉपिंग करना था, इसलिए बाहर का भी देखना है ना। चलो मेरा नहीं देखना, मगर मेरे बच्चे लोग का तो कपड़ा लगता लेना पड़ेगा मुझे, है ना। चलो गए, ये टाइम पे बहुत सिंपल सा सूट ली हूँ, आप लोगों को जरूर बताऊँगी मैं, बताऊँगी नहीं बताऊँगी पाकिस्तानी सूट काफी चल रहे इस बार ट्रेंड में, डिफरेंट लगता है। अभी हमें एकदम झगमग लेने लगे, हाँ पिछले साल में कैसा लेते मेरा एकदम झगमग एकदम, तो दो ही बार पहन रहे
घर में यूज नहीं कर सकते, कभी यूज कर रही होगा ऐसा, कभी अपन मॉल गए या किसी फंक्शन में गए या कहीं भी बाहर में गए तो भी कभी हम यूज कर सकते पहन सकते। और ज़्यादा हैवी वाला है मेरा तो फिर वो क्या अपन शादी में ही पहन सकते हैं या नहीं तो फिर फंक्शन में पहन सकते। ये टाइप में मैंने थोड़ा डिसेंट कपड़ा लिया, देखता आप लोग जरूर देखना कि मेरा लुक कैसा होगा ईद का लुक, ईद का। और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी है वो टाइम पर, वो भी जरूर देखना, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो क्या क्या ऑर्डर दिया अभी? अभी हम लोगों ने यहाँ पे सारा तवे का ऑर्डर दिया है, तो देखिए दो भेजा मसाला बोले और दो चाप मसाला बोले है ना, उसी के साथ में बोले हैं तंदूरी रोटी तीन और चार स्पेशल चपाती है ना। ये देखिए ये है हमारे इधर के वेटर जो हमें सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से सर्व कर रहे हैं। सलाम करो। सलाम। कैसा लगा मिठा पर मिठा एक नंबर ये भेजा है प्रथम चटपटा तीखा स्पाइसी मजा आ गई। कैसा अशरफ मस्त अब्बा मस्त लगा ये वहाँ पूरा आवाज यहाँ पे आ चुका है गरमा गरम माल पौआ हो शिव रमजान में खाने मिलता है ना हमें सेम टू सेम मेरे घर के जैसा टेस्ट है। तुम बनाए थे वैसा ही सेम कुछ अगर आपको देखना है कि ये मालपुआ घर पे ऐसे बना है तो आपको अफरोज किचन पे जाके बस सर्च करना है अफरोज किचन स्टाइल मालपुआ एकदम सेम टू सेम। तो आप ये सेम टू सेम घर में बना के इसका लुफ्त उठा सकते।